आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। के बढ़ते मामलों से पैदा हुए हालात की प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा, तीसरी लहर से निपटने के लिए दिए गए निर्देश। चुनावी राज्यों में नहीं होगी कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर, कोविन पोर्टल पर होगा बदलाव। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कोरोना, सर्वोच्च अदालत के 4 न्यायाधीश और 5% कर्मचारी हुए संक्रमित। आफत बनकर आई बारिश व ओलावृष्टि, रो पड़े किसान, यूपी व एमपी समेत कई राज्यों में फसलों को भारी नुकसान। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त बुजुर्गों को वैक्सीन की दी जाएगी एहतियाती खुराक। सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, अदालतों में बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते बेहद जरूरी। बिहार में बनेंगे 2 नए नेशनल हाईवे, 1,000 करोड़ रुपए होगा खर्च, रोड भी किया गया तय। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की मार, एडिशनल कमिश्नर समेत 300 से ज्यादा कर्मी पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन के 44,000 से अधिक मामले, मुंबई में 19,000 से ज्यादा मरीज। शिवसेना ने टीएमसी की राजनीतिक मंशा पर उठाए सवाल, ममता को दी नसीहत। राजस्थान में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल बंद, शादी में 50 लोगों की ही अनुमति। लालू परिवार पर फिर बढ़ गई साधु यादव, कहा इन लोगों के नाम तक नहीं लूंगा, आरजेडी में नहीं है लोकतंत्र। पंजाब कांग्रेस में अभिनेता सोनू सूद की बहन के खिलाफ बगावत, विधायक हरजोत के घर के बाहर समर्थकों का हंगामा। शिवसेना की पंजाब इकाई का बड़ा दावा, पीएम मोदी के काफिले को रोकने में खालिस्तानी आतंकियों का हाथ। फुनचोक स्टेंजिन, लद्दाख भाजपा इकाई के प्रभारी नियुक्त, सांसद जामयांग नामग्याल ने दी मुबारकबाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर गंभीर आरोप, बोला जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव से ना घबराते। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, यूपी में अब रोज लगेगा 8 घंटे का कोरोना नाइट कर्फ्यू। बुंदेलखंड में कुछ जिलों के साथ ही कानपुर मंडल में ओलावृष्टि, फसल को होगा काफी नुकसान। समाजवादी पार्टी के निर्वाचन आयोग से कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग, भाजपा कार्यकर्ता होने का आरोप।
गोरखपुर जिले में 7 गुना तेजी से बढ़ रहा कोविड संक्रमण, कई दिनों में मिले 344 संक्रमित। आगरा में युवती के साथ दरिंदगी का मामला, दरिंदगियों ने युवती के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। अलीगढ़ में महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा, पिटाई का वीडियो आया सामने। कानपुर देहात में फार्म में युवक को पीट पीट कर हत्या, हत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। लखीमपुर आचार संहिता का उल्लंघन करने पर मुकदमा, सपा नेता आरएस कुशवाहा पर मुकदमा दर्ज। फरुखाबाद में सपा जिला उपाध्यक्ष ने की आपत्तिजनक टिप्पणी, भगवान राम के ऊपर की आपत्तिजनक टिप्पणी, भाजपाइयों ने जिला उपाध्यक्ष के खिलाफ दी तहरीर। लखनऊ में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, लखनऊ में 24 घंटे में 1115 नए मामले सामने आए। आगरा में ट्रांसपोर्ट माफिया का दिखा आतंक। सरकारी बीज के गोदाम में पशुओं का कब्जा। बदायूं में बेटे ने की बाप की हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। जौनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो अंतर जनपदियों ने दबोचे गिरफ्तार। मऊ में डॉक्टर के फर्जी डिग्री का लेकर हंगामा, महिला ने झोला छाप डॉक्टर की पहचान की। मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 लाख का अवैध गांजा हुआ बरामद। रामपुर में बाइक सवार बदमाश ने की फायरिंग, युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। संभल पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध चस फैक्ट्री का भांडाफोड़। सिद्धार्थनगर में 3 दुकानों का शटर तोड़कर लाखों की चोरी, लाखों का सामान पर हाथ साफ कर फरार हुए चोर। फतेहपुर में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ धमाका, एक मकान का सारा सामान जलकर खाक। फतेहपुर में क्राइम ब्रांच की 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़, शातिर बदमाशों के पैर पर लगी गोली। उत्तर प्रदेश में भाजपा की डिजिटल रैलियों की तैयारी, 15 से एक्टिव होंगे क्षेत्रीय मीडिया कार्यालय। स्वतंत्र देव ने सपा पर कसा तंज, बोले राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने के लिए आना चाहते हैं अखिलेश। मेरठ विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम ने दिए निर्देश, छोटी से छोटी शिकायत पर तुरंत होगी कार्रवाई, डीएम ने दिए ये निर्देश।
विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्राओं को दी सौगात, पहली बार मिलेगी छात्रवृत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया कोविड कमांड सेंटर का दौरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के प्रवेश पर लगी रोक, केवल फ्रेश केसों की होगी वर्चुअल सुनवाई। मानक व बालू के दाम गिरे, यूपी में सरिया और गिट्टी की कीमतों में आया बड़ा उछाल। वाराणसी में कोरोना संक्रमण, बच्चे और रोगग्रस्त बुजुर्गों के घरों से निकलने पर लगा प्रतिबंध। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी, उमड़ा पर्यटकों का हुजूम। मुख्यमंत्री धामी ने मां के साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर का किया जलाभिषेक। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन पीएल संतोष ने परखी चुनावी तैयारियां। नैनीताल जिले में सहकारी केंद्रों में समाप्त हुई यूरिया और एमपीके के 40,000 किसानों के सामने संकट। ऋषिकेश में कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर बंद कराए 5 रेस्टोरेंट, 11 का किया चालान। सीएम धामी के जनसंपर्क अधिकारी बिष्ट बहाल दम पर छोड़ने पर पत्र लिखने के मामले में हटाए गए। देहरादून मसूरी मार्ग पर पर्यटकों का तांता, घंटों जाम में फंसे रहे पर्यटक। नैनीताल जिले में 139 लोग कोरोना संक्रमित, मेडिकल कॉलेज से 40 बेड सुरक्षित किए गए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगल में नजर आई दुर्लभ प्रजाति की तितली, सीटीआर के चेकलिस्ट में शामिल। नैनीताल जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए 1005 मतदान स्थल। हरिद्वार में दरगाह पिरान कलियर में सलामती की चादर, पीएम की सलामती के लिए भेजी गई है चादर। हरिद्वार में राजनीतिक दलों में चुनावी सरगर्मियां तेज, आप प्रत्याशी ममता सिंह ने भरी हुंकार। हरिद्वार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक, विधानसभा तैयारियों की समीक्षा बैठक। 13 बूथों पर 1,250 से अधिक मतदाता। चमोली में सर्दी का प्रकोप जारी, जबरदस्त शीतलहर से लोग परेशान, अलाव का सहारा ले रहे इलाके के लोग। विकासनगर में राजनीतिक पार्टियों ने कसी कमर, विधानसभा प्रत्याशी ने किया ऐलान, चक्राता की जनता चाहती है परिवर्तन।
तालिबान के राज में अफगानिस्तान की महिला पत्रकारों पर बढ़ता ही जा रहा प्रतिबंधों का दायरा। न्यूयॉर्क की इमारत में लगी भीषण आग, 9 बच्चों समेत 19 की मौत। विदेशी चंदे का मुद्दा बन रहा इमरान के गले की फांस, शहबाज शरीफ ने मांगा पीएम से इस्तीफा। मुरी में पर्यटकों की मौत पर दिए पीएम इमरान के बयान से गुस्साए पाकिस्तानी नेता भी बौखलाए। अमेरिका में मिल रहे कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, जरूरी सेवाओं में भी होने लगी है कर्मचारियों की कमी। कजाकिस्तान हिंसा में 164 लोगों की मौत, 2200 घायल, 98 गिरफ्तार, जल्द शुरू हो सकता है अल्माटी एयरपोर्ट। लूनर लैंडर चांगी 5 को चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टान में मिला पानी। यूक्रेन संकट पर अमेरिका पुतिन को दिए 2 ऑप्शन, कहा बातचीत चुनिए या तबाही। अफगानिस्तान में तालिबान ने लोकप्रिय प्रोफेसर फैजुल्ला को किया गिरफ्तार, दिया था सरकार विरोधी बयान। नेपाल में 29 जनवरी तक स्कूल बंद करने का प्रस्ताव, सार्वजनिक जगहों के लिए 17 से टीकाकरण प्रमाण पत्र होगा जरूरी। मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में खरीदा आलीशान 5 स्टार होटल, करीब 728 करोड़ रुपए में हुई थी। कृषि क्षेत्र में सरकार के पास सीमित विकल्प, बजट के मांग में आधारित खेती के लिए नई योजना का हो सकता है प्राविधान। आम उपभोक्ता को झटका, महंगे हुए एसी और फ्रिज, 10% तक बढ़ेंगे वॉशिंग मशीन के दाम। इंडिगो ने दी यात्रियों को राहत, 31 जनवरी तक कंपनी नहीं लेगी रीशेड्यूलिंग फीस। पीएनबी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब वीडियो कॉल से जमा हो जाएगा जीवन प्रमाण पत्र। टाटा की टियागो सीएनजी और टाइगर सीएनजी इस तारीख को होगी लॉन्च, 5000 भी करा सकते हैं बुकिंग। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, समय पर नहीं चुकाया क्रेडिट कार्ड का बिल तो देना होगा भारी जुर्माना। ड्राइव के दौरान चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इटली में बन रही वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। पुरानी पेंशन बहाली के चलते सरकार ने जारी किया आदेश। गूगल के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई गई, जहां सीसीआई ने मोनोपोली पर किया दावा। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट पर पहले किया अभ्यास।
न्यालगर ने दी टीम इंडिया को चेतावनी। पाकिस्तानी मीडिया ने आईपीएल को लेकर निकाली भड़ास, अफ्रीका के कारण बीसीसीआई निशाने पर। तीसरे टेस्ट में खेल सकते हैं विराट कोहली, अब प्लेइंग 11 से हनुमा विहारी का बाहर होना तय। सख्त हुआ श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, यंगिस्तान का जोरदार आगाज किया गया। जोकोविच के खिलाफ सुनवाई जारी की गई। उस्मान ख्वाजा बने हैं मैन ऑफ द मैच। वेस्ट इंडीज के भारत दौरे पर कोरोना का साया छाए। बीसीसीआई ने तीसरे टेस्ट से पहले प्लेइंग 11 में बदलाव को लेकर कर दिया खुलासा, ईशान शर्मा को मिलेगा मौका। कीर्ति कुल्हारी बने प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन हाउस को दिया जापानी नाम, किंत सुखोई रोई पहली फिल्म बन रही नायिका। परेश रावल ने सरकार से पूछा, 50% तक क्षमता के साथ बार और थिएटर खोल सकते हैं, जिम क्यों नहीं। कैलाश खेर ने गुरुद्वारे में टेका माथा, कुमराह से की अरदास, इतनी शक्ति दी कि पूरी दुनिया कोरोना से जीत जाए। वे जन्मदिन पर खून से लथपथ नजर आए ऋतिक रोशन, फिल्म विक्रम वेदा के फर्स्ट लुक को एक्टर ने किया रिलीज। किशोर मर्चेंट के 4 महीने के वेट पर बड़ा कोरोना वायरस का कहर, पॉजिटिव होने के बाद भी एक्ट्रेस ने लिखा दर्द भरा पोस्ट। डियाज बेस्ट डांसर सीजन 2 के अपना नया विनर मिल गया, पुणे की सौम्या कामले ने जीता ये शो। दिया मिर्जा का वीडियो हुआ वायरल, अपनी बेस्टी समायरा के साथ किया जबरदस्त डांस। संजय दत्त कर रहे हैं बड़े पर्दे को मिस, बोले जल्द ही उनकी 3 फिल्मों का आनंद उठा पाएंगे दर्शक। अमेरिकी कॉमेडियन बॉब सैगेट का निधन, होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला शव। ईशा गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, पोस्ट शेयर कर दी सेहत की जानकारी। प्राइम 100 में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी
सच साहस सरोकार।